गुड मॉर्निंग एवरी वन से आज का जो टॉपिक हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं टॉपिक इज ऑलरेडी मैं बिफोर यू गाइज द टॉपिक इज अबाउट शुड वर्सेज मस्ट देखिए ग्रामर का जब पोर्शन आता है तो हम लोगों कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करते हैं मॉडल वर्ब्स आप जानते ही होंगे जैसे एक होती है हेल्पिंग जो कि इज एम आर वर हैज के रूप में आती है और एक होती है जिन्हें हम बोलते हैं मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब्स कई तरह की होती है जिसमें हम वुड भी पढ़ते हैं कुड भी पढ़ते हैं शुड भी पढ़ते हैं इसी तरह से हमारे सामने जो आज लिखा हुआ है उसमें हम दो चीजों के डिफरेंसेस की बात करेंगे और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछा जाता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट हम शुड का इस्तेमाल कहां पर करते हैं

कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को स्टडी करें तो उसमें एक पॉइंट को समझें कि वो ग्रामर को बिलोंग करता है ये तो हम जानते हैं लेकिन हमें यहां पर क्या सीखना है स्पोकन क्या सीखना है okay. इसीलिए मैंने पहले ही कुछ सेंटेंसेस को तैयार किया क्योंकि उनमें कुछ वर्क आपको मिलेंगी तो नाउ गो पहले हम शुड को डिस्कस करते हैं जो कि यहां पर पहले मेंशन है सबसे पहले हेडिंग जो लिखी हुई है शुड इसके आगे मैंने कुछ बॉक्स में मेंशन किया हुआ है पढ़िए क्या लिखा हुआ है एडवाइजर सजेशन यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी से दैट वी वी डोंट नीड नीड योर एडवाइस एडवाइस ऑल हम सभी को सलाह की मशवरे की जरूरत होती है सजेशन की जरूरत होती है जहां पर आप किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की एडवाइस देते हैं या फिर आप किसी प्रकार का सजेशन देते हैं यह किस तरह से होता है एडवाइस देना या सजेस्ट करना मेरी तबियत खराब है तो आपने मुझे सजेस्ट किया कि भाई डॉक्टर को दिखा दो सही हो जाओगे या तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए तुम ठीक हो जाओगे तुम्हें दवा खा लेनी चाहिए ये एक तरह का सजेशन है अगर मैं एडवाइस की बात करूं एडवाइस किस तरह की होती है कि भाई मैं बड़ा परेशान मुझे नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए तो उसने कहा कि भाई तेरे पिताजी के पास पैसा बहुत है तो तू तो बिजनेस में लगा ले ज्यादा सही है यानी कि तुझे बिजनेस करना चाहिए ये एक तरह की एडवाइस होती है तो जब आप किसी व्यक्ति को एडवाइस और सजेशन की बात करते हो तो वहां पर शुड मॉडल वर्ब एक सेंटेंस के रूप में आता है अब हम इसको कैसे बनाएंगे कुछ सेंटेंसेस में यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा हुआ है जोर से बोले यू शुड स्टॉप स्मोकिंग ये एक एडवाइस भी है ये एक सजेशन भी है सजेशन और एडवाइस दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं सामने वाले ने कहा यू शुड स्टॉप स्मोकिंग स्टॉप के अलावा हम गिव गिव अप अप भी भी बोल सकते हैं माने भी किसी चीज को त्यागना होता है हम यहां पर क्विट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अगर आप मुझसे कहते हो कि तुम्हें धूम्रपान बंद कर देना चाहिए यू शुड क्विट स्मोकिंग क्या बोलोगे क्विट हटा दो गिव अप यू शुड गिव अप स्मोकिंग क्या बोलेंगे फिर से बोले अब यहाँ पर सामने वाले ने हमें एडवाइस क्यों दिया बिकॉज स्मोकिंग यू शुड गिव अप स्मोकिंग या फिर यू शुड स्टॉप स्मोकिंग यहां पर जैसे मैंने स्टॉप का इस्तेमाल किया तो मैं इसके अपोजिट जाकर मैं स्टार्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं जैसे अगर कोई व्यक्ति मंच पर गया और कुछ बोल नहीं रहा है ब्लैंक है बिल्कुल डेड ब्लैंक हो चुका है तो मैंने कहा कि सर आपको प्रयास करना चाहिए यू शुड ट्राई क्या बोलूंगा या फिर तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए बोलना यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग क्या बोलोगे फिर से बोले ये स्टार्ट और स्टॉप इन दोनों के बाद चाहे आप पास्ट में बात कर रहे हो चाहे आप फ्यूचर में बात कर रहे हो अगर इसके बाद वर्ब दिखाई दे रही है तो वर्ब के अंदर आपको देना होता है आई एन जी क्या देना होता है जैसे अगर आप को, मैं को एक पास्ट का सेंटेंस बनाता हूं मैंने कहा कि सर यू शुड स्टॉप स्मोकिंग ये एक सेंटेंस है जो कि सजेशन के साथ शुड को मॉडल वर्ब आपको दे रहा है अब मैं स्टॉप का सेंटेंस बनाता हूं मैंने कहा कि सर मैंने सन दो हजार में सन दो हजार में मैंने धूम्रपान करना बंद कर दिया स्मोकिंग इन टू थाउजेंड आई स्टॉप द स्मोकिंग इन टू थाउजेंड क्या बोलूंगा I stopped smoking in 2000. इसी चीज को फ्यूचर में बना दीजिए मैंने कहा कि सन दो हजार बाईस में मैं धूम्रपान करना बंद कर दूंगा आई विल स्टॉप स्मोकिंग इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्रू आई विल स्टॉप स्मोकिंग क्या बोलूंगा उजेंड ट्वेंटी टू बिल्कुल सही तो देखिए अगर में 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 आया तब भी स्मोकिंग की बात हुई। अगर में आया, तब भी भी की की बात हुई। अगर में आएगा, तब भी स्मोकिंग की बात। हुई। अगर अगर आएगा और सेम में आता है जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कोई निर्देश दे रहे हो जैसे आपने किसी को निर्देश दिया कि डांस करना बंद कीजिए स्टॉप क्या बोलोगे और शुरू कीजिए तो क्या बोलोगे स्टार्ट डांसिंग मैंने कहा लाफिंग यानी कि हंसना बंद कीजिए फिर से बोले हंसना शुरू कीजिए स्टार्ट लाफिंग क्या बोलेंगे start laughing. बोलना यानी कि स्पीक स्पीक करना बंद कीजिए स्टॉप स्पीकिंग क्या बोलोगे और बोलना शुरू कीजिए और अगर आप मुझसे कहते हो कि तुम्हें बोलना शुरू कर देना चाहिए तो एक सजेशन है एक एडवाइस है यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग क्या बोलेंगे मैं जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ या फिर आई एडमिट क्या बोलूंगा या फिर मैं बोलता हूँ एग्री करता हूँ बिल्कुल सही अगला सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है वी शुड ईट राइप फ्रूट्स राइप माने पके हुए और फ्रूट्स की बात हो रही है फलों की बात चल रही है यानी कि हमें पके हुए फल खाने चाहिए और आपको भी पता है वी ईट राइप फ्रूट्स क्यों अगर आम कच्चा है तो खट्टा लगेगा खाने में इसीलिए पका हुआ है तो हम ज्यादा आनंद लेते हैं उसका इसीलिए बोलते हैं कि हमें खाना चाहिए अब ये क्या है हमें खाना चाहिए एक एडवाइस एक सजेशन ही तो है yes, तो हमने शुड का इस्तेमाल किया वी शुड ईट ड्राई फ्रूट क्या बोला गया right फिर से बोले ड्राई फ्रूट्स हटा दीजिए कुछ और चीजों का नाम मैंने कहा कि सर हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए क्या बोलूंगा मैंने कहा कि सर हमें स्पेनेज खाना चाहिए क्या बोलूंगा right फिर से बोले बिल्कुल सही हमने कहा कि हमें पटेटो खाने चाहिए।, चाहिए अच्छा एक बात बताइए जो चीज हम पॉजिटिव में अगर हम किसी को सकारात्मक एडवाइस दे रहे हैं तो हम शुट बोलते हैं लेकिन अगर हमारी एडवाइस अगर नेगेटिव हो क्योंकि एडवाइस नेगेटिव भी तो हो सकती है जैसे कोई व्यक्ति ये काम करने जा रहा है मैंने कहा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए यू शुडन डू दिस क्या बोलोगे यू हटा दीजिए सब्जेक्ट बदल देते हैं वी लगा देते हैं हमें ये नहीं करना चाहिए फिर से बोले फिर से बोले यानी कि हमें पता है कि शुड होता है पॉजिटिव हमने बोल दिया इसी को नेगेटिव करने के लिए शुड नॉट क्या बोलेंगे और शुड नॉट का कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है शुडंट क्या होता है शुड शुड़ नॉट के दो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं अमेरिकन बोलते हैं शुड और ब्रिटिशर्स बोलते हैं शुडंट क्या बोलते हैं अब देखिए दोनों में फर्क करना आपको समझना पड़ेगा क्योंकि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आपके सामने बोलकर चले जाएंगे You shouldn't do this. You shouldn't do this. एक सजेशन. और आपको इंतजार रहेगा यू शुडंट डू दिस उसने? और हम शुड क्यों पढ़े बस कि पैटर्न में यानी कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं शुडेंट क्या बोलते हैं sure. और अमेरिकन क्या बोलते हैं sure. शुड क्या बोलते हैं sure. बिल्कुल से अपने आप को भी सलाह दे सकते हैं हम लोग yes, जैसे मुझे करना चाहिए आई शुड डू दिस क्या बोलूंगा एक्शन ए वर्क हार्ड मुझे मेहनत करनी चाहिए मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए आई शुड मुझे वहां जाना चाहिए आई शुड गो दर क्या बोलूंगा मुझे आपसे मिलना चाहिए आई शुड मीट यू मुझे आना चाहिए वो भी ऑन टाइम आई शुड कम ऑन टाइम क्या बोलूंगा आप फिर से बोले बिल्कुल सही तो शुड माने यानी कि एक एडवाइस की बात आई फिर उसके बाद देखे अगला सेंटेंस प योर हैंड्स क्लीन क्या लिखा हुआ है you should keep your hands clean. अब इस कीप को समझिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये मैं पहले भी बता चुका हूं कीप माने किसी चीज को रखना या किसी अवस्था में डालना यू शुड कीप योर हैंड्स यानी कि आपको अपने हाथ रखने चाहिए क्या रखने चाहिए क्लीन क्या रखने चाहिए clean. अच्छा क्लीन को अगर अकेले इस्तेमाल करते तो बोलते हैं माई हैंड्स आर क्लीन क्या बोलोगे माई क्लोथ्स आर क्लीन और क्लीन में एक वर्ड और होता है नीट 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 एंड क्लीन क्या बोलते हैं साफ और सुथरे sure. बिल्कुल सही तो मैंने कहा कि सर मेरे कपड़े हैं बिल्कुल साफ सुथरे माई आर नीट एंड क्लीन क्या बोलूंगा बिल्कुल सही अब आपने मुझसे कहा यू शुड कीप योर क्लो यू शुड कीप योर हैंड्स क्लीन जैसे एज यू ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर स्केयर्ड ऑफ कोरोना

तो ये क्या है ये एक एडवाइस है सजेशन ये दोनों ही है yes, क्या है ये बोथ ऑफ यानी कि एडवाइस भी है एक सजेशन भी है यू शुड कीप योर हैंड्स क्लीन क्या बोलोगे क्लोथ के लिए बोल दो फिर से बोले शूज के लिए बोल दो माइंड के लिए बोल दो माइंड mind. तो नहीं होगा क्योंकि तो तुम अपने दिमागों को सही रखो अरे भैया एक ही दिमाग होता है यू शुड कीप योर माइंड क्लीन क्या बोलेंगे बिल्कुल सही अब कभी एक सेंटेंस आपने सुना होगा जैसे कई लोगों को आदत होती है दूसरों के मामले में दखल देने की Am I right? yes, हमारे जीवन में क्या चल रहा है yes, मतलब नहीं तेरे में क्या चल रहा है ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो मैंने कहा कि तुम्हें अपनी टांग बाहर रखनी चाहिए मेरे मामलों से टांग बाहर रखने को टांग को इंग्लिश में लैग बोलते हैं लेकिन right? yes, अंग्रेजी जब बनती है ना हिंदी से थोड़ी विपरीत हो जाती है थोड़ी डिफर होती है हम हिंदी में बोलते हैं कि अपनी टांग बाहर रखो मेरे मामलों से, लेकिन इंग्लिश में बोला जाता है अपनी नाक बाहर मामले जिन्हें हम बोलते हैं भाई करंट अफेयर्स की बात करें तो जो अभी वर्तमान में चलते हुए मामले हैं इन्हें बोलते हैं करंट अफेयर्स क्या बोलते हैं और आप भी जानते हो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपका करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए yes, बिल्कुल सही तो मैंने कहा कि सर तुम्हें अपनी टांग बाहर रखनी चाहिए यू शुड कीप यउट क्या बोलेंगे यू शुड कीप किसी से ऑफ माई यू शुड कीप योर out of my affairs। इसको जब हम बहुत स्मूथली बोलेंगे देखिए कितना अच्छा लगेगा You should keep your अफेयर यू शुड कीप affairs. क्या बोलूंगा यू शुड कीप मैं एडमिट करता हूं फिर से बोले बिल्कुल सही अगला सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है टू लर्न यू शुड बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स यू शुड बी रेडी यहां एक नई चीज है ये दिख रहा है yes. मैंने आपको पहले भी बताया था कि बी का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है इस वाले पोर्शन में ये क्या लिखा हुआ है नो एक्शन वेन वी टॉक अबाउट नो एक्शन देन ऑटोमेटिकली बी कभी अपने रूप में आता है तो कभी अपने छुपे रूप में आता है बी के पांच छुपे रूप होते हैं इज एम आर वॉस वर्ड तो बी को कभी अपीयर करना पड़ता है तो कभी बी अपने आप को डिसियर कर देता है तो यहां पर अब इस चीज को समझो ये वाला पोर्शन आपके सामने नहीं है बस आप इतना बोलो तुम्हें तैयार रहना चाहिए यू शुड बी रेडी रेडी ये कई लोग बोल रहे हैं यू शुड बी रेडी अच्छा ये रेडी होता है साउथ इंडियन पिक्चर ज्यादा देख रहे हो अन्ना रेडी अन्ना रेडे हैं हाँ यू शुड बी रेडी क्या बोलेंगे बिल्कुल सही मैंने कहा मैं एडमिट करता हूँ फिर से बोले जैसे शादी में जाना है कहीं तो भाई तुम्हें तैयार रहना चाहिए फिर से बोले फोपारी सेंटेंस बना दो फॉर्मेशन तो ऐसे ही होता है तुम्हें पार्टी के लिए तैयार रहना चाहिए मैंने कहा तुम्हें तैयार रहना चाहिए क्लास के लिए हाँ to... मैंने कहा कि सर तुम्हें तैयार रहना चाहिए मुसीबतों के लिए और मुसीबतों हाँ यू शुड बी रेडी फॉर ट्रबल्स क्या बोलेंगे नॉट ओनली यू एवरी वन शुड बी रेडी फॉर ट्रबल्स एम आर राइट क्योंकि कहते हैं कि दुर्भाग्य कभी अत... अकेला और कभी बता के नहीं आता तो इंग्लिश में कहावत कही जाती है misfortunes never come alone क्या बोलेंगे देखिए फॉर्च्यून होता है एक फॉर्च्यून का मतलब आप जानते हैं मैं रिफाइंड की बात नहीं कर रहा हूं <laughs> कि कभी आप फॉर्चुनाइल की बात कर रहे हो देखिए फॉर्च्यून आपने सुना होगा कि एक डायलॉग बोला जाता है फॉर्चूनेटली फॉर्चूनेटली और एक बोला जाता है अनफॉर्चूनेटली क्या बोलते हैं बिल्कुल सही अब जैसे अगर बोलते हो कि बच्चा बहुत ही नसीब वाला है ही इज अ फॉर्चूनेट चाइल्ड क्या बोलेंगे और कभी कभी बोलते हैं पनौती है ही इज अनफॉर्चुनेट चाइल्ड क्या बोलेंगे समझ गए आप फॉर्चुनेट का मतलब जिसका नसीब अच्छा होता है अनफॉर्चुनेट का मतलब पनौती है भाई जिस काम में हाथ डालता है सब खराब करके आ जाता है तो ही इज एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड क्या बोलेंगे बिल्कुल सही यहां पर मैंने बोला कि तुम्हें तैयार रहना चाहिए ट्रबल्स के लिए यू शुड बी रेडी फॉर ट्रबल्स क्या बोलेंगे वैसे ज्यादातर लोगों को मैंने ऐसे ही कुछ आसान वोकैबुलरीज को इस्तेमाल करते हुए देखा वो बोलते हैं यू शुड बी रेडी फॉर ट्रबल्स कि ऐसा हो कि अगर हम कुछ अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करें जैसे एक इडियमैटिक वोकैबुलरी बोली जाती है बुरे समय को हम बोल सकते हैं रेनी डेज क्या बोल सकते हैं नानी डेज नहीं रेनी डेज कुछ अलग मिला आपको रेनी डेज़ का मतलब होते हैं वो दिन जो मुफलसी के होते हैं उर्दू में मुफलिस yes, उर्दू में बोलते हैं मुफलसी अब ये मुफलिस होती है बुरे दिन कष्टकारी समय जिन्हें हम हिंदी में कष्टकारी समय बोलते हैं और उर्दू में बोलते हैं मुफलिस वाले दिन और इंग्लिश में बोलते हैं रेनी डेज़ क्या बोलते हैं Ready. आप ये मत समझो कि जो मैंने बताया वही बोलते हैं इसके अलावा बैड डेज भी बोल सकते हैं मैंने कहा कि सर मेरे हार्ड डेज चल रहे हैं हार्ड डेज का मतलब इस समय ना पैसा है हाथ में ना जॉब है हाथ में ना परिवार है साथ में क्या करें हार्ड डेज चल रहे हैं तो उन्हीं को बोलते हैं रेनी डेज क्या बोलते हैं दे दे दे। एक मैंने शेर सुना था मिर्जा गालिब का शेर है कि मुफलिसी में जब दिन खराब आया कुल्लड़ में पानी पत्ते पे कबाब आया कल तक जो कहते थे नवाब आया आज वही लोग कहते हैं कौन खाने खराब आया ये खाने खराब का मतलब होता है कि जिसका ना घर है ना बार है मिर्जा गालिब ही नवाब जानते हैं आप लोग लेकिन फिर भी जब वो गए दुनिया से तो वो बस केवल एक शायर थे नवाबी का टाइटल उनसे हट चुका था तो यही एक चीज होती है कि जब मुफलिसी के दिन आते तो बताते कभी नहीं है किसी को कि हम आने वाले हैं वो आते ही, आते ही जाते आते ही जाते आते ही जाते हैं तो इंग्लिश में बोला जाता है मिस फॉर्च्यून नेवर कम अलोन क्या बोलोगे ये भी एक एडियम है लिखेगा बड़ा अच्छा एडियम है मिस फॉर्च्यून्स भाई आप लोग भी लिखते रहे मैं वीडियोस तो डाल रहा हूं मुझे नहीं लगता कि आप लोग उन चीजों को कॉपी कर रहे हैं वीडियोस जितने भी आप लोग देख रहे हैं उनको कॉपी करते रहे और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं और जो व्यूअर्स हैं आई रिक्वेस्ट एवरी टू राइट द थिंग्स मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम Yes, और अगर आप सेंटेंस लिखते हो कि सर आपको तैयार रहना चाहिए अपने बुरे दिनों के लिए तो इंग्लिश में लिखे यू शुड बी रेडी फॉर योर रेनी डेज आपको अपने बुरे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए यू शुड बी रेडी फॉर रेनी डेज क्या बोलेंगे मैंने कहा मैं एडमिट करता हूं बिल्कुल सही लोग अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं दे सेव दे मनी दे सेव देर मनी फॉर रेनी डेज दे सेव देर मनी फॉर मुसीबत कभी भी आ सकती है नो वन नोस इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है यू शुड बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स अगर आप नई चीजों का स्वागत नहीं करते अपने जीवन में तो समझ लीजिए कि आप सीख तो रहे हैं लेकिन अधूरा है कुछ तो इसीलिए कहते हैं यू शुड बी रेडी फॉर न्यू थिंग्स क्या बोलेंगे ये एक तरह का सजेशन था जो सामने वाले ने दिया अब मस्ट पर आइए मस्ट यहां पर मेंशन है जिसमें लिखा हुआ है अबिद लॉज एंड रिटन रूल्स देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारे रूल्स हमें दिए जाते हैं बहुत सारे लॉज होते हैं जिनको हमें पालन करना होता है चूंकि हमें सभी लॉस के बारे में नहीं पता लेकिन हमें कुछ चीजों के बारे में पता है जैसे अगर अपने घर का कचरा है तो हमें डस्टबिन में फेंकना है ये एक रूल है सर नो सर अगर वो कचरा हम डस्टबिन के बाहर फेंकते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस कानून का पालन क्या कर रहे हैं हम वी आर ब्रेकिंग द रूल वी आर ब्रेकिंग द लॉ बिल्कुल सही तो देखिए कहा जाता है कि अगर रूल बना है तो उसे तोड़िए नहीं क्योंकि तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप सिविलाइज नहीं हो आप सब लोग नहीं कहलाओगे। अगर कूड़ा है तो भाई डस्टबिन में डालिए उसको Throw it into the में। Got the point? Yes, तो अगर कोई कानून है तो उसको पालन करने के लिए मस्ट का इस्तेमाल एंड रिटन रूल्स कोई रिटर्न रूल्स है, जैसे में एक है in तो मैंने आपसे कहा कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए यू यू मस्ट यू मस्ट स्पीक इंग्लिश क्या बोलेंगे क्लास में अमेरिकन में इन अमेरिकन यू मस्ट स्पीक इंग्लिश इन अमेरिकन क्या बोलेंगे इफ यू डोंट स्पीक इंग्लिश इन अमेरिकन यू आर ब्रेकिंग द रूल एंड यू मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स तो यहां आपको समझना है कि हमने एक पूरे दो वाक्यों को बनाया क्लॉजेस के साथ आप देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यू मस्ट अबी द लॉस क्या लिखा हुआ है अगर आप हाईवे या एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं अगर गाड़ी की स्पीड को तय कर दिया गया एक सीमा तय कर दी गई कि 100 किलोमीटर ही रहनी चाहिए उसके तेज नहीं बढ़नी चाहिए लेकिन फिर भी लोग 120 पर 130 पर 140 पर चलाते हैं तो दैट मीन्स रूल्स भली right? yes, देखने वाला कोई नहीं है उनको लेकिन फिर भी वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं इसीलिए मैंने कहा यू मस्टी क्या बोलेंगे नहीं करता अगला मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स चूंकि इन फरोखाबाद नो ट्रैफिक रूल वेरी मच डिसंटेड टू

कि आपको फॉलो करना चाहिए मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स क्या बोलेंगे और यू को हटाओ एवरी वन मैंने कहा हर किसी को क्या बोलोगे फिर से बोले मैं जी मैं एडमिट करता हूं फिर से बोले ए सी में अगर आप मस्ट नॉट लगाते हैं तो वहां पर बन जाएगा एक्शन ब्रेक द लॉ आपको कानून नहीं तोड़ना चाहिए यू मस्ट नॉट ब्रेक द लॉ क्या बोलेंगे मैं जी मैं एडमिट करता हूं फिर से बोले बिल्कुल सही तो देखिए अगला सेंटेंस थर्ड पे लिखा हुआ है पढ़िए टू वॉच दिस प्रोग्राम चूंकि आप जानते होंगे कि हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग्स होती हैं संवैधानिक चेतावनियां कुछ मूवीज पर लगी होती है कि भाई ये मूवी जो है 18 प्लस देख सकते हैं ये प्रोग्राम 18 प्लस देख सकते हैं यानी कि जब आप एडल्ट हो जाएं तब आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं क्यों क्योंकि इसमें आने वाला चलचित्र या आप इसके अंदर आने वाला चित्र हो सकता है कि कुछ वलगरिटी को दिखाए कुछ ऑप्शिनिटी को दिखाए कुछ अश्लीलता को दिखाए इसीलिए आपको एटलीस्ट एटीन प्लस होना चाहिए ताकि आप इसको समझ सकें दट वीर डिस पोर्सन बिलोंग टू ये पोर्सन बिलोंग करता है वलगैरिटी को या ये आपके दिमाग को विचलित कर सकता है तो इसीलिए बोला गया कि तुम्हें एटीन होना चाहिए यू मस्ट भी एटीन क्या बोलेंगे you must be 18. फिर से बोले you must be यहां पर बी का इस्तेमाल किया गया आप समझ गए होंगे बी क्यों आया yes, क्योंकि एटीन क्या है एक्शन या नो एक्शन यू मस्ट बी एटीन क्या बोलेंगे 18. और एटीन के बाद क्या लिखा हुआ है प्लस यू मस्ट बी एटीन प्लस क्या बोलेंगे एटीन प्लस हटा दो एडल्ट लगा दो यू मस्ट बी एडल्ट क्या बोलेंगे you must be या यू मस्ट बी मेजर क्या बोलेंगे you must be या फिर यू मस्ट बी मैच्योर क्या बोलेंगे फिर से बोले टू तो वॉच दिस To watch this program. क्या बोलूंगा यानी कि आपको अठारह का या अठारह से ज्यादा का होना चाहिए अगर आप इस प्रोग्राम को देना चाहते हैं तो यहाँ पर अबे द लॉस ये रूल है। अगर आप इस रूल को ब्रेक करते हैं हालांकि दे आर सो मेनी पीपल दे आर ब्रेकिंग ब्रेक द रूल डो नाट सी एस कोई नहीं देखने वाला है लेकिन भाई आप अपनी करनी को तो खुद देख ही रहे हो कि तुम्हें पता है कि तुम कानून का पालन नहीं कर रहे हो तुम्हें पता है बात तो आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को आगे लिखा हुआ है यू मस्ट नॉट टीज टीज द एनिमल्स एंड बर्ड्स माने आप जानते हैं टीज माने चिढ़ाना भी होता है और परेशान करना भी होता है किसी को कोई प्रकार की दिक्कत देना उसे हम बोलते हैं टीज क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मैंने कहा कि तुम्हें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए चूंकि Must नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है mustn't क्या होती है क्या होती है देखिए बोलोगे नहीं तो प्रोनाशियेशन और एक स्पीड नहीं बनेगी यू मसेंट क्या बोलोगे टीज द go एंड बर्ड्स इवन आई sanctuary सेंचुरी to जिसे हम एक जंगल बोलते हैं लेकिन हिंदी में नाम होता है इसका अभिरण्य अभिरण्य एक ऐसा जंगल जहां पर पर्यटक लोग यानी कि टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं आप भी कभी गए हो जैसे रामनगर में एक जगह पड़ती है जिम को ऑर्बिट पार्क yes, लखीमपुर से लगी हुई एक जगह है नेशनल ददुआ पार्क अगर आप वहां कभी गए हो ये रिजर्व टाइगर्स होते हैं एरियाज इनके बना दिए गए भाई क्रोकोडाइल पार्क अलग हो गया हाथियों के लिए अलग जगह बनाई गई है आप वहां पर जाकर अगर किसी जानवर को परेशान करते हो तो उसके लिए लॉ बना है जानवरों के लिए नहीं आपके लिए अगेंस्ट कि आप जानवरों को परेशान नहीं कर सकते संवैधानिक चेतावनी है आपकी गाड़ी से होने वाली परेशानी उनको परेशान कर सकती है आपकी गाड़ी के अंदर जो हैडलाइट है उससे परेशानी उनको हो सकती है आपके गाड़ी के अंदर का जो हॉर्न होता है उससे उनको परेशानी हो सकती है इसका मतलब यू मसन टीज द एनिमल्स एंड बर्ड्स क्या बोलेंगे ये कहां को बिलोंग करता है एक लॉ है एक रूल है जो आपको नहीं करना चाहिए द पॉइंट yes, आगे बढ़ते हैं हम यहां पर लिखा हुआ है शुड ऑब्लिगेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा इस्तेमाल शुड का किया जाता है ऑब्लिगेशन में और रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है हम सभी की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती है yes, sir. जिम्मेदारी को एक और नाम दिया गया है जिसे हम बोल सकते हैं माइल क्या बोल सकते हैं milestones. फिर से बोले क्या बोल सकते हैं माइल स्टोन का मतलब रास्ते के पत्थर देखे हैं आपने रास्ते के पत्थर का मतलब कभी आप कानपुर जा रहे हो तो एक पत्थर मिला मिलेगा आपको किनारे पर जिसमें लिखा होगा कि कानपुर 130 किलोमीटर थोड़ा दूर आगे कानपुर एक किलोमीटर उन्हें बोलते हैं माइल क्या बोलते हैं और वही रास्ते के पत्थरों को हम एक और इडियोमेटिक वे में बोलते हैं जो हमारी जिम्मेदारियां होती है एक कहावत कही जाती है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे कंधों पर मेरी गर्दन के चारों तरफ बहुत जिम्मेदारियों का बोझ है तो इंग्लिश में कहावत कही जाती है देयर आर बोलकर देखो मैनी माइल स्टोन देर आर मैनी माइल स्टोन क्या बोलूंगा अराउंड माइ नेक देर आर मेनी माइल स्टोन माइ नेक क्या बोलूंगा लिख लीजिए अच्छा सेंटेंस से. है आप लोग भी व्यूअर्स लिखते रहा कीजिए देखिए कुछ व्हाइट बोर्ड पर कभी स्पेस नहीं होता है तो फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूं उसको कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आया करे तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया कीजिए उसको देर आर there are many milestones around my neck there are many milestones around my neck There are many milestones around my neck. यानी कि मेरे कांधे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं बहन की शादी करनी तीन बहनें, अपनी शादी करनी है माँ बाप को तीर्थ धाम की यात्रा कराना है ये सब जिम्मेदारियां हैं इसी को हाँ इसी को इसी को जिम्मेदारी बोलते हैं द पॉइंट ऑब्लिगेशन ऑब्लाइज ऑब्लाइज आपने एक वर्ड सुना होगा oblige. जब हम किसी के एहसान बंद होते हैं मैं बोलता हूं ना कि भाई मेरे ऊपर आपका एहसान है आई एम टू यू क्या बोलेंगे फिर से बोले कई बार इसी को एहसान को हम ज्यादा बोल देते हैं कि सर मेरे पर आपका बहुत 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 ही एहसान आई एम हाईली टू यू क्या बोलूंगा जोर से बोलो मैंने कहा मैं अपने टीचर्स का बहुत बहुत एहसान मान आई एम हाईली ऑब्लाइज टू माय टीचर्स क्या बोलूंगा आ, तो ऑब्लिगेशन तो यानी कि किसी का एहसान जताना किसी का एहसान मंद होना ऑब्लिगेशन होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अब यहां पर लिखा हुआ है वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स क्या ये गलत है लेट इट बी मुझे तो लगता है कि एल्डर्स

लेकिन right? yes, <coughs> आपने बोल दिया लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल से लगा के बैठ जाते हैं, They take it to heart. क्या बोलते हैं? They फिर से बोले टू नेवर टेक एनी थिंग टू हार्ट वेन समू यू यू हैव योर ओन डिसीजन यू हैव योर ओन लाइफ यू जस्ट लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू आप अपनी जिंदगी को आप अपने तरीके से जीते हैं और जी ठीक है अच्छी बात है लेकिन फिर भी यार ये गलत नहीं है अगर यहां लिखा हुआ है वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर तो वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स क्योंकि अगर तुम जैसे हो वैसे ही हम बन जाएं तो फिर फायदा क्या तुम्हें में फर्क क्या रह जाएगा तो हमने कहा कि हमें इज्जत देनी चाहिए ठीक है अच्छी बात है वी शुड एल्डर्स क्या बोलेंगे ये हमारा एक ऑब्लिगेशन है एक तरह की जिम्मेदारी है जो हमें पूरी करनी है भाई कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको पूरा करना जरूरी होता है अगला सेंटेंस देखे लिखा हुआ है वी शुड अवॉइड प्लास्टिक बैग्स अब ये बताइए प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना ये जिम्मेदारी बनती है हमारी इवन देन इवन देन वी डू नॉट अवॉइड प्लास्टिक बैग्स प्लास्टिक मेटीरियल लाइक प्लास्टिक बॉटल्स इवन देन वी आर हैबिचल ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स रीजन क्योंकि सर वो पॉलिथिन हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि मार्केट से कोई सामान खरीद के लाएंगे तो पॉलिथिन घर से पहले क्या हुआ करता था मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइर सीनियर दादाजी है मामा जी एन ताया जी दे यूज टू कैरी वन बैग होम बैग एक घर का सिला हुआ थैला ले जाया करते थे और सब्जियां लाते थे उसी में आ, आ, घर की ग्रोसरीज को लाते थे उसी में लेकिन अब हर चीज हमें चाहिए पॉलिथिन के अंदर राइट right? yes, क्यों क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को चाहते हैं कि कंफर्ट जोन में बने रहे कि हमें कुछ घर से ना ले जाना बड़े मार्केट से सब चीजें हम लेकर आ जाएं और वो पॉलिथीन जो होती है उन्हीं का इस्तेमाल हम उनको किसी और चीज जैसे किसी का टिफिन पैक कर दिया तो पॉलिथीन में कपड़े पैक कर दिए तो पॉलिथीन में कर दिए तो, तो ये चीज है लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है वी शुड एवॉइड प्लास्टिक बैग्स क्या बोलेंगे फिर से बोले प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना चाहिए यू शुड अवॉइड प्लास्टिक बैग्स क्या बोलेंगे मैं मैसे मैं एडमिट करता हूं नहीं करता अगली जिम्मेदारी हमारी क्या बनती है वी शुड हेल्प पुअर एंड नीडी अब आप कहोगे कि सर ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है नहीं भाई कुछ चीजें होती हैं जो जिम्मेदारी का एक हिस्सा बन जाती है कि सर हमें मदद करनी चाहिए वी शुड हेल्प देम क्या बोलेंगे We help them. फिर से बोले बिकॉज गॉड इज नॉट गोना कम टू हेल्प देम भगवान नहीं आने वाला उनकी मदद करने के लिए और इवन ये कहा जाता है कि दे शुड नॉट बी लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ गॉड उन्हें भगवान की दया पे छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि भगवान क्या लगता है भगवान आएंगे खुद no, हम ही भेजेंगे उस जगह पर सर yes, yes, no, yes, तो इसीलिए कहते हैं कि सर वी शुड हेल्प हुआ क्या बोलेंगे मैंने कहा मैं एडमिट करता नहीं करता अगला सेंटेंस से है होमलेस शुड बी हेल्प क्या बोलेंगे बेघर कभी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है जैसे बाढ़ आ गई कहीं भूकंप आ गया कहीं साइक्लोन हुआ टाइफून हुआ ऐसी आपदाओं में लोगों को घर सब तबाह हो जाता है लोग हो जाते हैं बेघर और उन्हीं बेघर लोगों को बोलते हैं होमलेस क्या बोलते हैं तो उनकी मदद की जानी चाहिए होमलेस शुड बी हेल्थ है। क्या बोलोगे अब एक बात बताइए इन लोगों की मदद करना क्या सरकार का, का काम है सरकार का तो काम है लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी तो बनती है, है यासनोस वी कलेक्ट डोनेशन हम डोनेशन वी कलेक्ट मनी एंड देन वी डिपॉजिट दैट मनी इन गवर्नमेंट फंड हम गवर्नमेंट फंड में उसको डालते हैं जिसे राहत कोशागार बोलते हैं राहत कोष में डाल देते हैं हम ताकि उन लोगों की थोड़ी मदद हो सके कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप पाँच हजार दो जितना आपके पास हो सकता है उतना दो यहाँ तक कि जब बहुत ज्यादा डिजास्टर्स हुए तो कुछ स्कूल्स में बच्चों ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाल कर भी जमा किए हैं एम उस समय की बात है जब सुनामी आया था सुनामी के समय पर मोस्ट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन दे डिपॉजिटेड देयर मनी बिहाफ ऑफ दिग् बैंक बैंक तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है तो होमलेट शुड बी हेल्प क्या बोलेंगे अगले पोर्शन पर आते हैं जो की लास्ट पोर्शन नहीं अब अगला तो इसी के नीचे है देखिये लिखा हुआ है मस्ट स्ट्रॉग ऑब्लीगेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अब आप कहोगे कि वॉट इज स्ट्रॉन्ग एंड वॉट इज शुड स्ट्रॉन्ग का मतलब जब आप किसी काम को मजबूती से बोलते हैं तुम्हें ये करना ही चाहिए और तुम्हें ये करना ही चाहिए तो जहां पर ये वाला वर्ड आ जाए तो वहां पर समझ लीजिए मस्ट की बात होने जा रही है गो द पॉइंट जैसे मैंने किसी से कहा कि तुम्हें जाना चाहिए शुड गो तुम्हें जाना ही चाहिए यू मस्ट गो क्या बोलेंगे मैक्स मैं एडमिट करता हूं अगले में लिखा हुआ है मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यू मस्ट नॉट कट द ट्रीज डाउन आपको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए पेड़ों को काटना प्रकृति को असंतुलित करना एम राइट तो यू मस्ट नॉट कट द ट्रीज डाउन क्या बोलेंगे बिल्कुल सही अगला सेंटेंस देखिए वी मस्ट क्लीन आर क्लासरूम अब ये क्लासरूम है चुकी है आपका यू गाइज कम हियर सेट हियर अटेंड योर क्लासेस हियर डू योर सेमिनार्स डू योर एक्टिविटीज हियर इन द क्लास रूम एंड इफ यू आर लिटरिंग Litter माने होते कूड़ा फैलाना एल आई टी टी आर इफ यू आर लिटरिंग इन द क्लास रूम सपोज यू आर टेकिंग टॉफी एंड रैपर इज थ्रोन यू इन द्लास रूम ऑन द फ्लोर क्या लगता है इज इट गुड हमें अपनी क्लास को साफ सुथरा रखना चाहिए वी शुड कीप आर क्लासरूम क्लीन क्या बोलेंगे छोड़ो क्लासरूम हटाओ हमें अपने एनवायरमेंट को शुड हटाओ मस्ट लगाते हैं वी मस्ट क्लीन आर क्लासरूम क्या बोला गया एनवायरमेंट वी मस्ट क्लीन आर एनवायरमेंट क्या बोलेंगे हमें गंगा को क्लीन करना चाहिए क्या बोलेंगे? आगे लिखा हुआ है क्या लिखा सेम है भाई उसको एहसानमंद होना चाहिए उसको इज्जत देनी चाहिए बड़ों को अब लिखा हुआ है यू मस्ट नॉट स्मोक व्हेन यू आर इन नॉन स्मोकिंग जोन सपोज यू आर इन ट्रेन ट्रेवलिंग समवेयर ठीक है और अगर आप ट्रेन में इफ यू आर स्मोकिंग दैट ये दैट इज अगेंस्ट द लॉ एम आई राइट क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड या स्मोकिंग इज प्रोहबिटेड क्या लिखा होता है प्रोहेबिटेड की आसान भाषा में बोलते हैं टैबू स्मोकिंग इज टैबू क्या बोलते हैं तो मैंने कहा कि सर यू मस्ट नॉट स्मोक वेन यू आर इन नॉन स्मोकिंग सोन या फिर यू मस्ट नॉट स्मोक एट अ पब्लिक प्लेस क्या बोलोगे ये स्टैंड अपल दीजिए यू मस्ट स्मोक कह रही है यू मस्ट स्मोक एट अ पब्लिक प्लेस हाउ जो से हा यू मस्ट स्मोक एट अ मैं मैं जी एडमिट मैं करता हूं नहीं करता

ट यू शुड ज्वाइन अमेरिकन इंस्टीट्यूट दैट मीनस की एक रिकमेंडेशन होती है जब आप किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की रिकमेंडेशन देते हैं सलाह देते हैं एडवाइस देते हैं एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑल दो अगर देखा जाए हालांकि लग दोनों लगभग बराबर के लेकिन रिकमेंड करना जैसे बाई वू वियर इन पार्टी यू शुड वीयर यू शुड वीयर कोट एंड पैंट यू शुड वीयर सूट यू शुड वीयर साड़ी यू शुड वियर लहंगा ये एक रिकमेंडेशन है आप रिकमेंड कर रहे हो मैं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए यू शुड इन वियर इट यू शुड इन वियर इट क्या बोला गया तो आप देखिए रिकमेंडेशन में लिखा हुआ है यू शुड स्टे हियर क्या लिखा हुआ है एज यू ऑल नो दैट इट वाज रेनिंग यस्टरडे सपोज दैट इट रेन यस्टरडे एंड समरी केम माय होम समरी केम माय होम एंड आई सेड टू हिम यू शुड स्टे टुनाइट बिकॉज़ इट्स रेनिंग आउटसाइड आज आपको रुक जाना चाहिए क्यों मैं क्योंकि उसको रिकमेंड कर रहा हूं आज के लिए रुकने को कि यू शुड स्टे टू नाइट क्या बोलेंगे चुछ चुछ था था या फिर तुम्हें यहां रुक जाना चाहिए तुम्हें वहां रुक जाना चाहिए यू शुड स्टे देयर क्या बोलेंगे तुम्हें एक होटल में रुकना चाहिए होटल होता है कि होटल यू शुड स्टे इन होटल क्या बोलेंगे भैंजी मैं एडमिट करता नहीं करता तुम्हें करना चाहिए यू शुड एडमिट क्या बोलेंगे मैंने कहा मैं करता। क्या बोलेंगे I admit. ये तो बना दिया। you should stay here. माने रुकना, अगर कोई स्टे yes, no, को लगाएगा तो वो बेवकूफ है yes, तो वो खुद सोचो कौन कौन बेवकूफ है मुस्कुराने लगेगा हाँ यू शुड बी हेयर ऑन टाइम क्या बोलेंगे अभी एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो

Recommend you American Institute because I am already studying there. यानी कि मैं वहाँ पर पहले से पढ़ रहा हूँ। And when I am already studying there, so I have come to know the concept of teaching. I know the basics of American Institute that they teach without grammar and they teach psychologically. तो इसलिए बोला गया, you should join American. क्या बोला गया? बिल्कुल सही। आगे लिखा हुआ है, you should wear mask in a public place। क्या लिखा हुआ है? <laughs> आप देखिए रिकमेंड करना आप भी जानते हो यू शुड शुडंट वेयर दिस मास्क यू शुड वेयर दैट मास्क तो मैं ये वाला नहीं तुम्हें वो वाला मास्क पहनना चाहिए ये रिकमेंडेशन है और तुम्हें मास्क पहनना चाहिए एक रिकमेंडेशन यू शुड वेयर मास्क क्या बोला गया वेयर एट a... अच्छा सोते समय इज इट नेसेसरी टू वेयर मास्क मुझे नहीं लगता डू यू आल्सो आई डोंट थिंक सो क्या बोलोगे when you are alone at home you need not to wear mask when you are at a public place such as you are in classroom you need to wear mask you are in market you need to wear mask you are in a party you need to be a party Ke andar. अरे sir छोडो ना in party we should wear mask no, sir. कुछ महिलाएं हैं वो कहेंगे mask पहनने के साथ lipstick छुप जाएगी हमारी <laughs> पता ही नहीं चलता है कि मतलब किस shade में lipstick लगाई है हमने हाँ नहीं mask के ऊपर lipstick लगा लो नहीं सर वो भी अच्छा नहीं लगेगा तो लोग डरेंगे फिर पार्टी में <laughs> कई लोगों को खाना हजम नहीं होगा कोई रसगुल्ला खा रहा होगा तो निकल जाएगा उसका रसगुल्ला तुरंत नहीं सोचो अगर ऐसे ही होने लगे आ, तो मैंने कहा कि सर तुम्हें मास्क पहनना चाहिए क्या बोलोगे अगला लिखा हुआ है शी शुड वॉच दिस मूवी क्या बोला गया देखिए मूवीज के लिए कई बार हम लोगों की एक, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वी लव मोटिवेशनल मूवीज कई बार हमें एक्शन मूवीज पसंद होती हैं तो कई बार साइंस एंड फ्रिक्शन मूवीज पसंद होती है कुछ लोगों को एडवेंचरस मूवीज पसंद होती है कुछ लोगों को uh, uh, मूवीज पसंद होती है जिसमें रोमांस ज्यादा होता है रोमांटिक मूवीज पसंद होती है रोमांस ज्यादा होता है जिसमें जब तक मतलब कोई गाना ना आए तब तक मजा नहीं आता है एम राइट right? yes, नहीं गाने से क्या होता है ना गाने से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा सा फील बदल जाता है लेकिन फिर भी वॉचिंग सॉन्ग इन अ मूवी इज अ अर वेस्टेज ऑफ टाइम यू आर टोटली वेस्टिंग योर टाइम मुझे लगता है स्किप करो आगे बढ़ो अच्छा हाँ वेन यू आर इन थिएटर यू स्किप दैट यू कॉन्ट स्किप वेन यू आर इन थिएटर नो डोंट वरी वेन द सॉन्ग इज प्लेड इन थिएटर तो डोंट स्किप दैट लुक हियर एंड देयर दे आर समूवीज रनिंग बट यू मस्ट बी एटीन टू वॉच डैट प्रोग्राम यू मस्ट बी एटीन टू वॉच दैट प्रोग्राम उस प्रोग्राम के लिए आप एटीन प्लस होने चाहिए मैंने कहा कि सर ये सो हम गेंद ऑफिस हाँ तो मैंने कहा कि सर उसे ये मूवी देखना चाहिए शी शुड वॉच दिस मूवी क्या बोलेंगे She should watch this movie. अब जैसे क्या हुआ कि आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड सपोज दैट आई गोट फेल्ड इन माई क्लासेस या इन माई एग्जाम तो

टू टॉयलेट to की बात हो रही है यहाँ पर यूरन यूरिन की बात हो रही है लेकिन पिस्ड ऑफ एक सिचुएशन होती है जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं मतलब आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप क्या करें जीवन में I'm pissed off. क्या बोलोगे? I'm pissed off. फिर से बोले I'm pissed off. तो आई वॉज कंप्लीटली पिस्ड ऑफ तो थ्री डेज एवरीबडीज अबाउट यू वॉट है

वेरी नाइसिटली एग्री विद तो देखिए क्या है कि उसने मुझे एक मोटिवेशन दिया यू शुड वॉच दिस मूवी सो दैट यू मे बी मोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग इट और इस मूवी में यही बताया गया है कि वेन यू आर फेल्ड वरी नेक्स्ट टाइम विल कम और यू कैन अपियर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट पॉइंट तो यू कैन ट्राई अगेन तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम रिकमेंड करें तुम्हें वही मस्ट को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन पे किया जाता है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जब आपकी रिकमेंडेशन ही में कन्वर्ट हो जाती है कि तुम्हें यह काम करना ही चाहिए जैसे यू मस्ट विजिट माई ऑफिस वोडिंग सम विडियो ऑन यूट्यूब मोस्ट ऑफ दीपल वॉट इज फी

मैं, जी, मैं करता। अगला से I, मुझे ताजी सब्जियां खरीदनी है या फिर मुझे कहा जाना चाहिए अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अब छुट्टियां जब पड़ जाती है तो एक सबसे बड़ा सवाल कहा जाए पहले बचपन में तो नानी घर हो आते थे मामा घर हो आते थे नहीं घर एक ही था नानी मामा एक ही हुए कि भाई कहीं घूम आए ऐसे ही होता था लेकिन अब बच्चे समझदार हो गए कहते टू टाइम एट एट होम होम एंड मामाज़ लेट्स गो वी कैन हैव सम मेमोरीज़ मेमोरीज़ कुछ memories को बना सके हम पर जैसे उत्तराखंड हिमाचल या पहाड़ों पर कहीं घूमने चले गए या कोई मंदिर चले गए घूमने के लिए तो मैंने कहा कि मुझे कहा जाना चाहिए फिर वेयर मस्ट आई गो टू स्पेंड माई हॉलीडेज आपको बोलने में दिक्कत है तो आप बोल सकते हो वेयर आई मस्ट गो क्या बोलेंगे to spend my holidays. To spend my holidays. मैंने कर दिया. अरे तुझे तुझे भाई, तुझे भाई शिमला जाना चाहिए शिमला क्या बोलूंगा शिमला हाँ शिमला होता है शिमला कहां से आ गया भाई हाँ यू मस्ट गो टू शिमला क्या बोलेंगे तुम्हें हिमाचल जाना चाहिए तुम्हें उत्तराखंड जाना चाहिए यू मस्ट गो टू तो उत्तराखंड तो 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 क्या बोलेंगे मैं तो मैं जी एडमिट करता। देखिए लिखा हुआ। नहीं last नहीं है पर कई लोग मोटापे को बड़ा परेशान रहते हैं तो मैंने कहा उसे अपना वजन कम करना चाहिए मैंने कहा कि सर और कई बार कुछ लोग बहुत ही पतले हो जाते हैं तो तुम्हें थोड़ा यार हाँ, you sh, uh, you must gain the fat. क्या बोलेंगे मैं मैं जी मैं admit करता admit. Last sentence है है आपका कोई कोई में अगर मित्र और जिससे आप रेगुलर बात करते हो वो पूछता है आपसे व्हाट इज फेमस इन इंडिया तो आपने उससे कहा कि इफ यू विजिट टू इंडिया यू मस्ट विजिट टू द ताजमहल राइट क्योंकि ताजमहल आपको भी पता है कि हम सामने वाले को बता सकते चूंकि मेरा नहीं है लेकिन हमारा है

फिर से बोले English American. मैंने कहा कई बार सवाल पूछा जा सकता है वॉट इज मस्ट इन अमेरिकन क्या बोलते हैं is must in American? फिर से बोले मै एज यूज इंग्लिश इज मस्ट इन अमेरिकन क्या बोलूंगा is फिर, is in फिर से बोले English in फिर से बोले, English in फिर से बोले English in उसके बाद देखिए एक, एक सेंटेंस लिखा हुआ है अ पासपोर्ट इज मस्ट वाइल ट्रेवलिंग इन द अब्रॉड अ पासपोर्ट इज मस्ट वाइल ट्रेवलिंग इन द अब्रॉड मैं ये नहीं कह रहा हूं जाने के लिए तो पासपोर्ट जरूरी है लेकिन अगर आप विदेश में कहीं घूम भी रहे हो तभी आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं और पुलिस पकड़ लेती है तो यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ दैट प्लेस आप वहां के नागरिक नहीं कहलाएंगे आपको इंक्वायरी बैठेगी आपको थाने ले जाया जाएगा पुलिस स्टेशन देन आफ्टर आप किसी के माध्यम से अपना पासपोर्ट मंगा सकते हैं लेकिन फिर भी चार्ज आप पर पड़ जाएगा यानी कि आप पर फाइन पड़ सकता है तो इसीलिए कहते हैं सर अ पासपोर्ट इज मस्ट क्या बोलेंगे वाइल्ड ट्रेवलिंग इन अब्रॉड और मैं तो ये कहता हूं कि सर इंग्लिश इज मस्ट टू गो एब्रॉड क्या बोलोगे इंग्लिश इज मस्ट टू कम्युनिकेट विद अदर्स क्या बोलेंगे टू कम्युनिकेट विद बिल्कुल सही तो ये टोटल शुड और मस्ट इसमें आप चाहें तो आप अपना नेगेटिव फॉर्म डाल सकते हैं डाल सकते हैं yes, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा yes, yes, आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर समझ में आया होगा अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरी तरफ से बबाई एवरी मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए क्लास के साथ बबाई